क्लासों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखने मांगते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का प्रेम को जानते तक नहीं है, उनका पवित्रता। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं आया हूँ किसी को दोषी ठहराने के लिए, लेकिन ताकि उनके द्वारा पूरा संसार, पूरा जग उद्धार पाए। यू नो, पास्टर जेम्स के एसोसिएट पास्टर, पास्टर विजय इताकोटा, वो कहे, वो बता रहे थे, एंड इट रियली मेरा दिल में बैठ गया। वो बोल रहे थे कि लोग समझते नहीं हैं, वो अपने बारे बता रहे थे और कह रहे थे कि जब पास्टर उनको डांटते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, डांटते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, एंड मैं था, आई थिंक मेरा फ्रेंड सैम था और मैं था, एंड पास्टर विजय बता रहे थे, जब पास्टर हम लोग को डांटते हैं, जब उनकी वाइफ हम लोग को डांटती है, तो वो लोग इसीलिए हमें डांट सकते हैं क्योंकि वो लोग हमें डांट सकते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरों को नहीं डांट सकते हैं, क्योंकि दूसरों में क्षमता नहीं है डांट को सहने के लिए, क्योंकि ठोकर खाएंगे, गलत समझेंगे, दोषी ठहराएंगे। लेकिन वो जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके सामने, जिनको वो लोग डांट सकते हैं और जैसा सच्चाई, जैसा कड़वा है कड़वा सच्चाई बोल सकते हैं और उसको पूरी रीति से वो लोग ग्रहण कर सकते हैं, बिना जो डांट रहा है डांटने वाला को गलत समझे, बिना डांटने वाला को दोषी ठहराए। ऐसा परिपक्वता कितने कम विश्वासियों के पास, कितने लोग तुरंत अपना चर्च एल्डर्स को, मैच्योर बिलीवर्स को गलत समझते हैं, दोषी ठहराते हैं, हमेशा गुस्सा होते रहता है, हमेशा ऐसा, क्योंकि वो आपके साथ गुस्सा हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ गुस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको वो प्रिविलेज मिला है कि आपके, आपको वो शिक्षा दे सकता है, बाकियों को बस ज्ञान मिल सकता है, जबकि आपको शिक्षा मिल सकता है। एंड एम टॉकिंग अबाउट पर्सनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलपिट से डांट, नहीं, शिक्षा इज ऑलवेज पर्सनल। बाइबल ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है, जो लोग परमेश्वर का, जो लोग विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। लूक का 24:25-27, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि यानी कि मूर्ख और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, मतलब इतना तुम लोग अभी भी नहीं विश्वास कर पा रहे हो, राइट? आगे, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं के से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। परमेश्वर अभी भी पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं कि उनको विश्वास दिलाए। यू नो भाई, ये मूर्खता शुरू कैसे होता है? मूर्खता गलत शिक्षा पाने का अर्थ है, गलत सिद्धांत नहीं, गलत शिक्षा जो अंदर में, जैसा मैंने पहले बताया, मत सोचिए कि आदम और हवा अगर परमेश्वर का शिक्षा नहीं पा रहे हैं तो किसी से शिक्षा नहीं पा रहे हैं। शैतान उनको शिक्षा दे रहा था, शैतान हवा को ये शिक्षा दिया कि परमेश्वर तुमसे वो दूर रखे हैं जो तुम्हारे लिए भला है। शैतान हवा को ये बताया और ये विश्वास दिलाया शिक्षा देके कि परमेश्वर तुमसे वो दूर रखे हैं, वो चीज तुमसे दूर रखे हैं जो तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जब हवा देखी कि वो फल देखने में सुंदर है, खाने में भी अच्छा है, बुद्धि के लिए भी अच्छा है, शैतान क्या बोला, इसे खाओगे तो तुम कैसे बन जाओगे परमेश्वर के जैसा। परमेश्वर तो जो तुम्हारे लिए भला है ना, जो तुम्हारे लिए उत्तम है, वो चीज तुमसे दूर रखा है। मत सोचिए अगर परमेश्वर आपको शिक्षा नहीं दे रहा है तो आप शिक्षा रहे थे, नहीं, आप शिक्षा पा रहे हैं, बस बात है कि आप किससे शिक्षा पाना चाहते हैं। कितना बार आपकी जिंदगी में लालच आया है उन चीजों के लिए जो आपका नहीं था? कितना बार आपके अंदर ईर्ष्या और डाह आया कुछ वस्तुओं के वजह से जो दूसरों के पास था जो आपके पास नहीं था? क्या शैतान हम लोग का दिल को शिक्षा नहीं दिया और बोला देखो वो भला चीज परमेश्वर तुमसे दूर रखे हैं, वो भला चीज जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, जो तुमको इतना, तुम्हारे लिए इतना फायदेमंद है, प्रभु तुमको दे ही नहीं रहे हैं,
तुम्हारा जिंदगी इतना बढ़िया रहता अगर वो चीज रहता तुम्हारे पास, लेकिन प्रभु तुमको नहीं दिए, प्रभु तुमको नहीं दिए। हवा सोची, अगर ये सच है कि ये फल मेरे लिए इतना अच्छा है, और ये भी सच है कि परमेश्वर भले हैं, तब क्यों वो मुझसे ये फल दूर रखे हैं? मुझे तो ये तो जरूर मालूम है कि ये फल मेरे लिए अच्छा है, वो बोलती भी है देखने के लिए सब कुछ के लिए अच्छा है ये फल, खाना, सोचने के बुद्धि के लिए सब कुछ अच्छा है, मतलब परमेश्वर ही अच्छा नहीं है। तब उसके माइंड में आया ये एक पावर का गेम है, ये एक पावर स्ट्रगल है, ये पावर गेम है। क्यों? अगर मैं ये फल को खा लेती हूँ तो मैं कैसा बन जाऊँगी? परमेश्वर, इट इज़ अबाउट पावर। परमेश्वर मुझे अपना अधीन रखने मांगते हैं, मुझे दबा के रखने मांगते हैं, कभी भी मुझे राज नहीं करने देने मांगते हैं, इसीलिए ये फल के लिए आज्ञा दिए हैं कि ये फल मत खाना। इट्स ऑल अबाउट पावर। ही डजंट वॉन्ट मी टू बी लाइक हिम एंड रूल, ही डजंट वॉन्ट मी टू हैव अ थ्रोन। जबकि यीशु मसीह अपना मकसद बताते हैं प्रकाशित वाक्य के 1:6 में, क्या कि वो हमें क्या बनाने मांगते हैं? राजा, राजा और याजक। लेकिन शैतान हवा को शिक्षा क्या दिया? परमेश्वर यही चीज तो रोक के रखे हैं, नहीं तो तुम आज उनके जैसे तुम भी राज कर रही होती। क्योंकि अगर मैं इसे खा लेती हूं तो मैं उसके जैसा बन जाऊंगी, इसीलिए उसका हर एक आज्ञा मुझसे भला वस्तु को दूर रखने के लिए है, मुझसे उन्नति, मेरा लाभ की चीजों को मुझसे दूर रखने के लिए है। हर एक आज्ञा मेरा लाभ के विरोध में है। परमेश्वर चुन चुन के आज्ञा लिखे हैं मेरा लाभ के विरोध में, मेरा उन्नति के खिलाफ में। और उस समय से आज तक शैतान पापियों को शिक्षा देते गया है, और हम लोग का हृदय को परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार के खिलाफ उकसाते गया है, चाहे वचन का अधिकार हो, चाहे कलीसिया का अधिकार हो, चाहे हम लोग का बिजनेस, हम लोग का नौकरी में जो अधिकार है हम लोग के अंदर में, हम लोग के अंदर में हमेशा हम लोग का सस्पिशियस बना देगा, हम लोग के अंदर में हमेशा शक डाल देगा, डैनियल तुम्हारा कोच तुम्हारा भला ही नहीं चाहता, तुम्हारा बॉस तुम्हारा भला ही नहीं चाहता, तुम्हारा टीचर तुम्हारा भला ही नहीं चाहती है, तुम्हारा वार्डन तुम्हारा भला ही नहीं चाहता है, वो तुम्हारा लाइफ को चौपट करने के लिए, वो तुम्हारा आज़ादी को कैद करने के लिए। और तब से आज तक हम लोग अनाथों का जैसा हम लोग का व्यवहार बन गया है, कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है, और हम लोग हर एक अधिकारी, हर एक अध्यक्ष, चाहे संसार में, चाहे कलीसिया में, चाहे घर में, चाहे विवाह में, चाहे परिवार में, हम लोग लगातार शक करते हैं, लगातार डरते हैं, लगातार लड़ते हैं, लगातार बलवा करते हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि क्योंकि शैतान हम लोग को शिक्षा देते जा रहा है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम उनके जैसे बनो, ये लोग तुम्हारा तुमसे वो भला चीज़ सबको दूर रखे हुए हैं, ये लोग तुमसे भलाई को दूर रखे हुए हैं। एंड हम लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं। आपको और मुझे ये दोनों, हम लोग दोनों को मालूम है कि हम लोग ये सब कुछ किए हैं, और शायद अभी भी कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, और हम लोग सच में मूर्ख हैं, क्योंकि हम लोग सच में अंदर में विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर हम लोग से प्रेम करते हैं, कि हम लोग अनाथ नहीं हैं, हम लोग को लड़ने का ज़रूरत नहीं है उन आशीषों को पाने के लिए जो परमेश्वर हम लोग के लिए रखे हैं। हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, हम लोग को अनाथ के जैसा लड़ना नहीं है, याकूब का जैसा हम लोग को झूठ या धोखा नहीं देना है, हम लोग को लड़ना नहीं है किसी से, हम लोग को झगड़ना नहीं है, नहीं हमको झगड़ना पड़ेगा, हम नहीं तो किसी और को मिल जाएगा, नहीं। भजन का चैप्टर 84:84-11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। राइट, परमेश्वर महिमा देने वाला परमेश्वर है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी पदार्थ रख ना छोड़ेगा। अब मैं जो लोग खरी चाल, यानी कि क्या, दोज़ हू वॉक अपराइटली, यानी कि जो लोग धर्मी हैं, जो लोग धार्मिकता में चलते हैं, राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
क्या आप विश्वास करते हैं कि क्रूस के द्वारा यीशु मसीह अपना लहू और अपना जीवन के द्वारा सिद्ध धार्मिकता आपके लिए खरीदा है? यस, राइट, 100% विश्वास करते हैं कि सिद्ध धार्मिकता आपके लिए खरीद लिया गया था लहू के द्वारा और सिद्ध जीवन के द्वारा। यीशु मसीह खरीद लिए और आपको मुफ्त में, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ चार्ज, इट इज फिनिश्ड, तुमको दे दिए, हम लोग को दे दिए, राइट। अगर आप उसको विश्वास करते हैं तो व्हाई डू वी नॉट बिलीव कि वो मुझसे कुछ अच्छा वस्तु नहीं रख छोड़ेगा? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज, अगर कोई वस्तु अगर मुझे नहीं दिए हैं, कोई भला परिस्थिति मेरे जिंदगी में नहीं आया है, अगर वो मदद नहीं मिल रहा है मुझे, अगर वो ऊंचाई, वो पहचान मुझे नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूं, अगर वो दोस्त नहीं मिल रहे हैं मुझे, अगर वो तरक्की नहीं मिल रहा, अगर वो मुझे सफलता नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूं, तो उसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए भला नहीं है, इस वक्त भला नहीं, या तो मेरे लिए भला है ही नहीं, या तो इस वक्त मेरे लिए भला ही नहीं। इसलिए आदम, हवा, अकान और दाऊद, वो फल, वो कपड़े, वो सोना, वो चांदी जो अकान लिया, और वो स्त्री बथशीबा, आदम, हवा, अकान, दाऊद, वो तुम लोग के लिए भला नहीं था। इसलिए परमेश्वर उनको तुम्हारे लिए नहीं रखे थे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भला नहीं था। शैतान या तो आपको अविश्वास में शिक्षा देते जा रहा है, या तो परमेश्वर आपको विश्वास में शिक्षा देते जा रहा है। Learn to believe that God is good all the time. तब आप परमेश्वर से छुपेंगे नहीं और परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करेंगे, अपने आप को, अपने सारे पापों को प्रकट करेंगे और आप आके अंगीकार करेंगे। You know why? Because you will believe. क्योंकि आप विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करेंगे? प्रकाशित वाक्य का 3:19 उसके बाद इब्रानियों का 12:6 मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मैं जिन जिन से आप विश्वास करेंगे कि लॉर्ड आप अगर हमको डांट रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज यू कैन रिब्यूक मी, यू आर रिब्यूकिंग मी बिकॉज यू कैन रिब्यूक मी, बिकॉज देर आर अदर्स यू कैनॉट रिब्यूक। लेकिन मूर्ख में नीति वचन बताता है कि उसके अंदर डांट नहीं घुसता है, उसको आप लाठी से मार दीजिए 40 बार, वो घुस जाएगा लेकिन डांट नहीं घुसेगा, शिक्षा नहीं घुसेगा। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है वो जानता है, लॉर्ड अगर आप मुझे डांट रहे हैं क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अगला इब्रानियों का 12:6 क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है, मतलब आपको गोद ले लिया है, तुम मेरे पुत्र हो विजय जेवियर, उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु बाकी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, प्रभु बाकी को तरक्की पे तरक्की, प्रभु बाकियों के लिए दरवाजा खुलते जा रहा है, और वो लोग अधर्मी हैं, वो लोग झूठे हैं, वो लोग घूस डाल के, वो लोग पैसा दे के प्रभु काम निकाल रहे हैं प्रभु, और मैं प्रभु सकरा मार्ग में चल रहा हूं प्रभु, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पुत्र बनाया हूं और इसलिए कोड़े भी लगाता हूं। Amos 3:2 पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। मतलब क्या? शुरू में परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का शुरुआत का तरीका नहीं है दंड देना, राइट। परमेश्वर पहले बातों से, टेलिंग यू, तीन तरीका है परमेश्वर का। पहले वो अपना वचनों से बात करेंगे, तब वो लाठी से बात करेंगे, फाइनली तलवार निकलेगा।
तलवार मतलब ख़त्म। पहले परमेश्वर इज़राइल के लिए भविष्यवक्ता भेजे, तब उनको बंधुआई में भेजे। फाइनली जब बंधुआई भी काम नहीं किया, तलवार आया और बहुत लोग का घात हो गया, राइट। पृथ्वी के सारे कुलों, सारे परिवारों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। इस कारण विश्वासी बच्चे, जब तुम चीटिंग करोगे तुम पकड़ाए जाओगे, दूसरे करेंगे वो लोग नहीं पकड़ेंगे। तुम लोग लाइसेंस के बिना चलाओगे तुम लोग पकड़ाए जाओगे, दूसरा लोग चलाएंगे वो लोग को नहीं पकड़, वो लोग पकड़ाए नहीं जाएंगे। एक्सीडेंट होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होगा जब विश्वासी लोग ऐसा करेंगे। अविश्वासी लोग करेंगे वो लोग व्हीली स्टॉपी क्या क्या स्टंट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विश्वासी बच्चा लोग करेंगे ना, सिर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, सब प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, बाइबल स्टडी में आने वाले, मेरा बाइबल स्टडी में आने वाले बच्चे, आई नो ऑफ पीपल, आई टोल्ड देम दे डिड नॉट लिसन एंड दे हैव बीन इन्वॉल्व इन वेरी बैड एक्सीडेंट्स। व्हाई? बिकॉज गॉड लव्स यू, नॉट बिकॉज गॉड हेट्स यू, बिकॉज गॉड लव्स यू। वाई? क्योंकि परमेश्वर का राज्य में जो छोटा सा आज्ञा को तोड़ता है और दूसरों को सिखाता है तोड़ने के लिए, वो परमेश्वर का राज्य में सबसे छोटा गिना जाएगा, राइट। लेकिन जो छोटा छोटा आज्ञा को भी रखता है और रखने को सिखाता है, वो परमेश्वर का राज्य में बड़ा। तो आपका स्वर्गीय पिता आपको चाहता है कि स्वर्ग राज्य में आप छोटा रहे कि बड़ा? बड़ा रहे, राइट। तो जब आप छोटा आज्ञा को तोड़ेंगे, तोड़ो तो उसका पैर को। जो स्वर्गदूत को ड्यूटी पे लगाया गया था आपका बाइक का साइड में रहने के लिए, संभालने के लिए, उसको वापस बुलाया जाएगा, उसको वापस बुला दिया जाएगा। हम लोग का नौकरी में जैसे बी वेरी केयरफुल टैक्सेस के बारे, ऑल दीज थिंग्स। भाई क्या आप टैक्सेस, हम चर्च में टाइथ्स दे रहे हैं, टैक्सेस क्यों देना है? गॉड सेड डू इट, डोंट आस्क 10 क्वेश्चंस, जस्ट डू इट। प्रभु बोले हैं ना, करो। परमेश्वर का भय मतलब, लॉर्ड आप बोले हम करेंगे, हम विवाद करने के लिए नहीं है। बाइबल में क्यों लिखा हुआ है वो वाला कल्चर में ऐसा नहीं था, यहाँ पे कल्चर बदल गया। वो कुरिंथ का कलीसिया के लिए लिखा गया था, वो रोमियो का कलीसिया, तो भाई भारत का कलीसिया के लिए कौन सा है बता दो, हम उसी को पढ़ते हैं। ऑल नो आर्ग्यूमेंट्स विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु मैं निर्बुद्धि हूँ, प्रभु आपका वचन बुद्धि है, हम लड़ाई नहीं करेंगे प्रभु, लड़ाई नहीं करना, हमको झगड़ना नहीं, हमको विवाद नहीं करना है प्रभु, हमको झुकना है प्रभु, हमको झुकना है। यू नो हम्बल का क्या मतलब है? यू रिमेंबर बताए थे डैनियल आना, हम्बल मतलब वो शब्द ह्यूमस यानी कि जमीन, इतना नीचे, राइट। पत्रस में लिखा हुआ है, जवानों को लिखा गया, लेकिन सबके लिए है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के, हाँ, नम्र हो। हम्बल योर सेल्स अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, मतलब अगर ये परमेश्वर का हाथ है, राइट, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का हाथ, तो हमको जाके ऐसा नहीं करना। अगर परमेश्वर का हाथ यहाँ पे इसलिए, तो हमको जाके लड़ना नहीं है। प्रभु आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दब रहा हूँ। आपका कोई कोई का ज़िंदगी में परमेश्वर और दबाने की कोशिश कर रहा है, और दबिए, और नम्र होइए, और नम्र होइए। परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करेंगे, जो अनुग्रह बहुत आयत से पाएंगे वो लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। लेकिन बहुत अनुग्रह पाने के लिए बहुत दिन बनना है, राइट, बहुत दिन बनना है। मतलब जो लेवल है ना आपके लिए, और नीचे डाला जाएगा, और नीचे डाला जाएगा। यू नो जब मूसा के सामने कोई भी आता था और बोलता था, क्या तुम ही क्यों बोलोगे, हम लोग सब पवित्र लोग हैं, हम लोग भी परमेश्वर का वचन बोल सकते हैं। यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वहाँ पे हारून चलो वहाँ पे एक तो पुलपिट डालो, यहाँ पे एक तो पुलपिट डालो, चलो डिबेट करेंगे कौन पवित्र है। नहीं, परमेश्वर के सामने गिर जाता, प्रभु
मैं यहाँ पे, आप मुझे चुने प्रभु, ये मेरा डिसीजन नहीं था। प्रभु बोले तुम जमीन के ऊपर गिरे, वो लोग जो जमीन पर खड़े हैं उसको हम खोल के वो लोग को नीचे गिरा देंगे। वो नहीं बोला कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने के लिए। प्रभु उनको डांटा और बोला तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मूसा के खिलाफ ऐसा बोलने के लिए, हम उसको चुने हैं। इट्स अमेजिंग। मूसा के बारे लिखा गया उसके जैसा कोई नम्र व्यक्ति था ही नहीं। सोचिए कितना वो नम्र था, और क्योंकि इतना वो नम्र था परमेश्वर उससे कैसे बात करते थे, आमने सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद उतना नम्र है, वो स्वर्ग को छोड़ के यहां है, वो इम्परफेक्ट असिद्ध माता पिता के अधीन थे। वो नहीं बोले क्या मूर्खता है जोसेफ और मेरी, नहीं 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 हम आइंस्टाइन का बेटा होना मांगते हैं, नहीं। जोसेफ का क्या एजुकेशन था, वो बढ़ई था, बढ़ई। मरियम क्या, शी वॉज मोस्ट प्रॉब्ली अ टीनेजर जो गर्भवती हुई, क्या एजुकेशन था, गरीब परिवार से थे वो लोग। आपको क्या लगता है वो लोग स्कूल या कोई हाई स्कूल भी गए होंगे? नहीं। वही वो क्या लड़के बोला है, नहीं आप पुराना जनरेशन के, मेरे पास आइंस्टाइन से भी ज़्यादा बुद्धि है, हम बताएंगे कैसा करना है, आप गलत तरीका से कुर्सी बनाते हैं, हम सिखाएंगे आपको नया मॉडर्न तरीका, आप जैसा बोलेंगे कर, नहीं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मेरा तरीका अपना ही तुरंत हो जाएगा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। भाई और बहनों, पत्नी पत्नी पति पत्नी के बीच में शायद आप सही हैं, लेकिन क्या आप नम्र होने के लिए तैयार हैं? शायद आप अपना शायद आप सही हैं, लेकिन फिर भी आप अपना सही होने का दर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि आपको मालूम है जिस चीज़ पे आप लोग लड़ रहे हैं वो सच में उतना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन नहीं हम सही हैं। किस विषय में सही हैं? कि टॉयलेट सीट को ऊपर रखना चाहिए कि नीचे रखना चाहिए? अरे फॉरगेट इट, बेमतलब का चीज़ की लड़ाई होता है। नहीं तुम टूथपेस्ट को पूरा निकाली नहीं, आधा करके फेंक दी, छोड़ो। छोटा छोटा चीज़ पे प्लीज मत लड़िए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग स्थाई चीज़ जो हम लोग अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं उन चीज़ों का महत्व समझते हैं, और जो आंखों से देख सकते हैं हम लोग वर्तमान के चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वर्तमान की चीज़ों के लिए उतना लड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, थोड़ा सा गाड़ी स्क्रैच हो गया, बाइक स्क्रैच हो गया, आईना टूट गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लीव इट। क्योंकि ये सब विश्वासियों के बीच में ये सब चीज़ों के इतना बड़ा चीज़ बन जाता है, एंड इट इज़ वेरी सैड कि परमेश्वर हम लोग के लिए मरे, गाड़ियों के लिए नहीं मरे। हम लोग तो ऐसा रास्ता में लड़ते हैं गाड़ी का स्क्रैच के लिए, एज इफ यीशु मसीह लहू बहाए थे हम लोग गाड़ी के लिए। यू हैव टू सी हाउ बिलीवर्स फाइट फॉर देयर बाइक्स एंड कार्स। फोटो भी लेते हैं बाइक्स के साथ और जवान लोग अपना बाइक्स और गाड़ी सब के साथ, एज इफ दैट इज वॉट जीजस, एज इफ दे हैव गॉट द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। क्या हम लोग संसारिक नहीं है तब? यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्स अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपना, अगर हम लोग परमेश्वर से शिक्षा नहीं पाएंगे, अगर हम लोग मूर्ख शैतान से ही लगातार शिक्षा पाते रहेंगे और मूर्ख बनते रहेंगे, या तो मूर्खता में हम लोग चलेंगे। डू यू वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स? पहला चीज लूक का 12 का 16 से 20 तक, पहला चीज़ जो होता है जो व्यक्ति अपना जो शिक्षा से बैर रखता है, राइट, परमेश्वर का शिक्षा से, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान का भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन के विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज रख सकूं। ओके नेक्स्ट। और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा।
और वह अपना सब अन्न और संपत्ति, वहाँ पे अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, डू यू रियलाइज, ये परमेश्वर से शिक्षा नहीं पा रहा था, मूर्ख परमेश्वर से का शिक्षा से बैर रखते हैं, लेकिन यू रीड द प्रीवियस वर्स, पिछला पद, उसका पिछला पद, तब मैं अपने मन में विचार, हाँ, ये नहीं कि ये शिक्षा रहित था, शैतान इसको शिक्षा दे रहा था, शारीरिक मन, वो मन जो धोखा से भरा हुआ है, वो मन हम लोग को शिक्षा जरूर देगा। मत सोचिए कि मूर्ख व्यक्ति शिक्षा नहीं पाता है, शिक्षा पाता है अपना मन से, अपना शारीरिक मन से। ओके, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। पहला चीज, अगर हम लोग ये मूर्खता से निकलेंगे नहीं, अगर हम लोग शिक्षा नहीं पाएंगे, पहला चीज, सक्सेस और फेलियर, या तो सक्सेस या तो फेलियर, चाहे छोटा या बड़ा, छोटा सक्सेस छोटा फेलियर, बड़ा सक्सेस बड़ा फेलियर, विल डिसीव अस। सक्सेस और फेलियर विल डिसीव अस इफ वी डू नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। ये मूर्ख है, क्यों? क्योंकि ये अपना जिंदगी को देखता है, अपना जिंदगी में सक्सेस को देखता है, फेलियर को देखता है अपना, और उससे धोखा खाता है। मतलब क्या, जो लोग सक्सेसफुल फूल्स हैं, द सक्सेसफुल फूल्स टेक देयर फिजिकल सक्सेस एज स्पिरिचुअल सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस फॉर देयर सेल्वेशन। जो सफल व्यक्ति है, जो सफल मूर्ख है, जो सफल मूर्ख है, वो अपना शारीरिक सफलता को आत्मिक सुरक्षा, उद्धार का निश्चय के रूप में ले लेता है। ही ट्रांसलेट फिजिकल सक्सेस एज स्पिरिचुअल एश्योरेंस एज स्पिरिचुअल सिक्योरिटी। कहता है, हे प्राण, एंजॉय, बी एट रेस्ट, आराम से रहो। वो क्या किया, फिजिकल सक्सेस को देखा और अपना प्राण को बोला एंजॉय। दैट इज एब्सोल्यूट फूलिशनेस। यू लुक एट सक्सेस इन योर लाइफ, यू लुक एट फेलियर इन योर लाइफ एंड यू टेल योर हार्ट एंजॉय, गॉड इज विथ यू, गॉड इज ब्लेसिंग यू, गॉड इज हैप्पी विथ यू, परमेश्वर आपसे खुश हैं, परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ये दे रहे हैं, और यू नो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ और स्वर्ग राज्य में पाने वाला हूँ। यू आर द बिगेस्ट फूल। यू टेक अ फिजिकल सक्सेस एज एन अश्योरेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल सिक्योरिटी, यू आर अ फूल। साथ ही साथ, इफ यू आर अ फेलियर, अगर आप एक ऐसा मूर्ख हैं जो विफल हुआ है, राइट, जो सफल नहीं हुआ है, जो विफल हुआ है, तब आप अपना ज़िंदगी को देखते हैं, बोलते हैं कि प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा बिजनेस, मेरा ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस साल क्यों अकाल आ गया है प्रभु। संसारिक लोग बोलेंगे, इस साल तारा तुम्हारे लिए, तारामंडल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा हाथ का लकीर जुड़ नहीं रहा है। और विश्वासी लोग भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो लोग या तो बहुत कोशिश करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर्स नाउ, या तो ये डिप्रेस्ड फेलियर्स अब बहुत कोशिश करते हैं, या तो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, या तो वो लोग तुरंत हार मान जाएंगे, या तो एकदम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग सक्सेस के बिना जी नहीं सकते हैं, और दोनों गलत है। क्योंकि वो लोग तुरंत हार मान जाएंगे, या तो बहुत ही कोशिश करेंगे, जबकि परमेश्वर बोल रहे हैं मत इतना कोशिश करो, उस चीज़ के लिए इतना संघर्ष मत करो, परिश्रम मत करो जो नाशवान है, लेकिन उस चीज़ के लिए करो जो नाशवान नहीं है। डिप्रेस्ड बिलीवर्स
या तो अपना फेलियर को देख के छोड़ो हमसे नहीं होगा, या तो नहीं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे करेंगे करेंगे, नो एंड टू इट। अंदर में डिप्रेशन काम कर रहा है, कोई कोई का डिप्रेशन उनका हाथ को बैटरी डाउन कर देता है, कोई कोई का है बैटरी को 100% कर देता है। उनका फेलियर उनका सक्सेस उनको मूर्ख बना दिया है। अगर आप मूर्ख हैं तो फेलियर और सक्सेस आपको धोखा देगा। चलिए हम लोग अपना जिंदगी को जांचते हैं। आई एम श्योर व्हेन वी वर नॉट इन क्राइस्ट, जब हम लोग मसीह में नहीं थे, फेलियर्स एंड सक्सेस हम लोग को धोखा दिया। लेकिन नाउ, अब जब हम लोग मसीह में, अभी भी हम लोग क्या अपना सफलता या विफलता को देख के कहते हैं कि हाँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है, हाँ प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है, हाँ प्रभु मेरा जिंदगी में काम कर रहे हैं, प्रभु मेरा जिंदगी में काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग शारीरिक चीज़ों को देख के, परिस्थितियों को देख के हम लोग क्या अपना आत्मा को जांचते हैं? या हम लोग अपना आत्मा को जांचते हैं, अपना आत्मिक स्थिति को देख के अपना आत्मा का को डायग्नोस कर रहे हैं, ना कि शारीरिक चीज़ों को? ये तभी होगा व्हेन वी आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। नहीं तो शैतान तो है ही बोलने के लिए, हम लोग का धोखेबाज दिल तो है ही बोलने के लिए, देखो बढ़िया हो, रेस्ट करो बस। एजिकिल का 16 का वर्स 49, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती और दीन दरिद्र को संभालती नहीं। ओके, तो ये है सोडम के बारे में, ठीक है? अगर आप सोडम में रहते ना, तो इट वाज बहुत हाई, वहाँ का इकोनॉमी चल रहा था। देखिए, वो लोग सब पेट भर भर के खाते और सुख चैन से रहते, राइट? पेट भर भर के खाते, सुख चैन से रहते एंड घमंड करते, यू नो वी हैव अ गुड लाइफ, सब कुछ बढ़िया है। वो लोग को थोड़ा सा भी आया नहीं मन में कि परमेश्वर आग और गंधरस बरसाने वाले हैं। लाओदिकिया की कलीसिया भी, हम लोग के पास सब कुछ है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड दे विल नेवर नो कि परमेश्वर एक्चुअली बाहर में है, खटखटा रहे हैं। अंदर में म्यूजिक इतना लाउड है, वो खटखटाहट का आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रहा है कि परमेश्वर खटखटा रहे हैं बाहर में, क्योंकि अंदर में सब कुछ है, कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, और कोई चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेस कैन डिसीव अस, सक्सेस और फेलियर दोनों हमें धोखा दे सकता है। कैन यू बिलीव इट? यू नो, यीशु ने कहा, उसके चेले आए और एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि ये दुष्ट, मेरा बेटा को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ, हम चेलों के पास लाए, चेले नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह निकालते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं जब चेले आके पूछते हैं, हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों क्यों नहीं निकाल पाए? बोलिए जोर से। नहीं, ये क्या कैसे जाता है? उपवास और प्रार्थना से, उपवास और प्रार्थना से, राइट? हाँ, विश्वास, डेफिनेटली विश्वास करोगे दुष्ट आत्मा निकालोगे, लेकिन क्या? उपवास और प्रार्थना। यू नो व्हाट जीसस इज सेइंग, जब दुष्ट आत्मा तुम लोग में राज कर रहा है तो तुम लोग पेट भर भर के खा क्यों रहे हो? जब तुम लोग दुष्ट आत्मा को अपना जिंदगी से निकाल नहीं पा रहे हो, जब लगातार गिर रहे हो पाप में, यानी कि एक दुष्ट आत्मा कैद किया हुआ है वहाँ पे, है कि नहीं? जब हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं मसीह के लिए, डर हम लोग को कैद किया हुआ है वहाँ पे, शर्म हम लोग को कैद किया है वहाँ पे, हम लोग का मुंह को बांध दिया हुआ है, हम लोग को अगर लगातार शैतान कोई चीज़ की ओर केंद्रित किया हुआ है, बार बार वहीं पे हम लोग गिरते जाते हैं, बलवा करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी गिर रहे हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? प्रभु क्यों हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? कोई कोई दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना मतलब उल्टा हम सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कोई कोई दुष्ट आत्मा आपको लगातार गिरा रहा है पाप में, यानी कि आप उस पर प्रभुता नहीं कर पा रहे हैं, आप उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे हैं, व्हाट शुड यू डू? फास्टिंग प्रेयर। व्हाई आर यू पेट भर भर के क्यों खा रहे हैं? सुख चैन में क्यों जी रहे हैं? इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन सिन, स्टॉप ईटिंग, स्टॉप योर लाइफ ऑफ कम्फर्ट। क्योंकि ये लोग पेट भर भर के खा रहे थे, सुख चैन से जी रहे थे, पाप इनमें बढ़ते जा रहा था, कोई टेंशन नहीं, और अचानक से आग और गंधरस आ बरसा।
अगर पाप आप पे प्रभुता कर रहा है, अगर कोई दुष्ट आत्मा आपको लगातार कैद करके रखा हुआ है, मन को, आँखों को, शरीर को, उपवास प्रार्थना शुरू कीजिए, उपवास प्रार्थना शुरू कीजिए। डोंट वेट फॉर योर चर्च टू अनाउंस फास्टिंग प्रेयर। आप अपना उपवास प्रार्थना शुरू कीजिए और लड़िए और निकालिए उस दुष्ट आत्मा को अपना जिंदगी से। दैट्स वॉट वी ऑल यंग पीपल डिड। डोंट थिंक हम लोग एक अच्छा चर्च गए थे तो हम लोग का जिंदगी में कोई पाप नहीं था। था, हम लोग सबके जिंदगी में पाप था। क्या किए? उपवास प्रार्थना किए। नहीं, हम अच्छा चर्च जा रहे हैं तो दुष्ट आत्मा हमको नहीं पकड़ सकता। ओ, शैतान कहीं लिखा है क्या बाइबल में सैटन इज अफ्रेड ऑफ GTC चर्चेस? हाँ, यू फाउंड अ वर्स लाइक दैट? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। डजंट केयर कौन सा चर्च आप जाते हैं, ही इज लुकिंग फॉर बिलीवर्स। जो लोग अच्छा चर्च जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो लोग एकदम आराम से हैं, खा पी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, बट वो विश्वासी जो लोग अच्छा चर्च जाने के बावजूद अगर पाप में गिर रहे हैं, तो लोग नहीं, लॉर्ड हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हम जय पाएंगे इस पाप के ऊपर, और जब तक नहीं जय पाएंगे तब तक प्रभु आप बताइए। आप शायद फास्टिंग प्रेयर शुरू करेंगे, परमेश्वर शायद एक जवान व्यक्ति को बोलेगा, निकलो अपना फ़ोन, पुराना डब्बा वाला फ़ोन खरीदो, वो वाला फ़ोन को हटाओ, तुम इंटरनेट कनेक्शन हटाओ, ये बंद करो, वो बंद करो। परमेश्वर कुछ बोलेगा, उसको अपना, उसको ब्लॉक कर दो अपना फ़ोन लिस्ट। कोई लड़की को परमेश्वर बोलेंगे, उसको ब्लॉक कर दो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको अकाउंट को डिलीट करो, ये सबको डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो। फास्टिंग शुरू करो सोशल मीडिया से। नहीं प्रभु, हम जी नहीं पाएंगे सोशल मीडिया के बगैर। फास्टिंग करो सोशल मीडिया से, खाना से, यार जो भी चीज़ जिससे आपको जीवन मिल रहा है, जिससे आप जीवन चूस रहे हैं, फास्टिंग कीजिए। तब आप देखेंगे अब आपका विश्वास बढ़ रहा है, और जैसे विश्वास बढ़ रहा है वो दुष्ट आत्मा को आप निकाल पा रहे हैं जो आपको बांध के रखा हुआ था। सुबह उठ रहे हैं फ़ोन, रात सो नहीं पा रहे हैं फ़ोन, सब कुछ फ़ोन फ़ोन, सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। कैद नहीं है तो क्या है? गेम्स, फोन्स, क्या क्या नहीं? कैद नहीं तो क्या है? दूसरा चीज, पहला चीज, या तो सफलता या विफलता हमें धोखा देगा अगर परमेश्वर का शिक्षा हम लोग नहीं पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग अपने कामों से धोखा खाएंगे। आर वर्क्स विल डिसीव अस। लूक का 11 का 11 से 13, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? ओके, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? ओके, ये पेरेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, बट वी विल अप्लाई इट फर्स्ट टू पेरेंट्स, उसके बाद टू एवरीबडी। ठीक है, सो जब तुम बुरे होकर, ये पेरेंट्स को क्या बोल रहे हैं? बुरा भी नहीं, दुष्ट, इविल। When was the last time you said he's an evil person? बहुत कम आप ये शब्द यूज़ किए होंगे, दुष्ट व्यक्ति है वो, राइट? दुष्ट, विकेड, evil। परमेश्वर वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किन लोग के लिए? कैसे पेरेंट्स के लिए? जो लोग, हाँ, जो लोग अच्छा गिफ्ट देते हैं बच्चों को। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को बर्थडे में अच्छा गिफ्ट देते हैं? You are qualified to be your parents. According to these verses, be qualified to be evil people. जब तुम बुरे हो के, as if प्रभु तारीफ कर रहे थे, तुम में से कितने अच्छे पेरेंट्स हो बताओ तो, तुम लोग अच्छा गिफ्ट देते हो, अच्छा गिफ्ट। हाँ, तुम जब बुरे हो के अपने लड़के बालों को अच्छी अच्छी वस्तुओं देते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ओके, हम पवित्र आत्मा के विषय में नहीं देख रहे हैं, बट आई एम सीइंग दिस, द पीपल आर गेटिंग शॉक्ड ओवर ये। जब यीशु मसीह शुरू किए, तुम लोग अंडा मांगता है अंडा देते हो, खिलौना मांगता है खिलौना देते हो, ट्रक मांगता है ट्रक देते हो, ये सब देते हो, वेरी गुड, तुम लोग बुरे हो। ही इज गिविंग देम अ शॉक। मत सोचो कि तुम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा काम किया तो उससे, ये गलत फहमी में मत रहो कि तुम अच्छे बन गए, कि तुम अच्छे बन गए। जो परमेश्वर से शिक्षा नहीं पा रहा है वो अपने कामों से धोखा खाएगा, वो अपने देखेगा, अरे
I love my children. I must be a good person. And God says, no, you are evil. You are evil. And this is very funny.